आप अपने मजबे को यहाँ से तुरंत इधर उधर कर ले, वरना आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये वही कांग्रेस है जो पहले बाबा साहब को पानी पीने नहीं देती थी, भेदभाव करती थी और पार्लियामेंट में जाने को मना कर दिया था। आज वही समय है कि उस इंदर मेघवाल को पानी पीने को लेकर के इन जातिवादी मानसिक गुंडों ने उसकी हत्या करी। कांग्रेस सरकार और लाश की बोली लगाई जाती है, पहले 5 लाख फिर 20 लाख, यानी यह दलितों पर राजनीति की जाती है, उनकी लाश की जो है बोली लगाई जाती है। हम लोग मर जाएंगे जब तक अशोक गहलोत इस्तीफा नहीं देंगे। दलित सिर्फ मरने के लिए दलित है, वोट के लिए वो हिंदू बन जाता है। अरे इन्हें डूब के मर जाना चाहिए, ऐसे मीडिया वालों को। वो 9 साल का बच्चा आत्महत्या करेगा। आप अपने मजबे को यहाँ से तुरंत इधर उधर कर ले, वरना आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक सेकंड। राजस्थान में दलितों की बलि दी जा रही है और उस व्यक्ति को अपनी राजनीति की पड़ी है। और वही कांग्रेस जब उत्तर प्रदेश में अत्याचार होता है और चुनाव का टाइम हो तो प्रियंका गांधी जी बार बार जाती हैं, लेकिन एक बार भी अशोक गहलोत से ये नहीं पूछा कि राजस्थान सरकार कांग्रेस की है, उन पे जुलम जाति अत्याचार क्यों हो रहा है। सिर्फ दलितों को, चाहे भाजपा हो कांग्रेस हो, इन्होंने वोट बैंक समझा है, कभी इनका मान सम्मान नहीं दिया। ये वही कांग्रेस है जो पहले बाबा साहब को पानी पीने नहीं देती थी, भेदभाव करती थी और पार्लियामेंट में जाने को मना कर दिया था। आज वही समय है कि उस इंदर मेघवाल को पानी पीने को लेकर के इन जातिवादी मानसिक गुंडों ने उसकी हत्या करी। वो 37 दिन तक इन मनुवादियों से लड़ता रहा, इन जो जुलम जाति अत्याचार करते हैं, भेदभाव करते हैं, उनसे लड़ता रहा, उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। जब सोशल मीडिया के माध्यम से युवा शक्ति दल के कार्यकर्ताओं ने, बहुजन समाज के सभी संगठनों ने आवाज उठाई, जब जाकर के अशोक गहलोत की नींद खुली। और इससे शर्म की बात देखिए, कल कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उस परिवार से मिलने गए, झूठी संवेदनशीलता देने गए, पानी अपना लेकर गए। ये दोहरा व्यवहार कब तक चलेगा? और लाश की बोली लगाई जाती है, पहले 5 लाख फिर 20 लाख, यानी कि दलितों पर राजनीति की जाती है, उनकी लाश की जो है बोली लगाई जाती है। वहीं पर एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है नाड़ काट करके, हमें दुख है, लेकिन उसको 50 लाख की मदद और इस परिवार को, वो नन्ना सा बच्चा इतना टैलेंट था, वो इस देश का प्रधानमंत्री होता, प्रदेश का मुख्यमंत्री होता, राष्ट्रपति होता। एक परिवार की पीढ़ी को, नस्ल को, समाज का मनोबल डाउन किया गया। हम लोग मर जाएंगे जब तक अशोक गहलोत इस्तीफा नहीं देंगे। कांग्रेस माफी नहीं मांगेगी, पूरे SC समाज से, पूरे बहुजन समाज से आंदोलन जारी रहेगा। इससे पहले मूछ रखने पे एक हत्या कर दी थी दलित की, वो लड़ाई भी अधूरी है, हम उसकी भी मांग कर रहे हैं। जितेंद्र मेघवाल था उसकी हत्या कर दी गई, लेकिन उस परिवार को न्याय नहीं मिला। कांग्रेस जो दोहरा व्यवहार अपना रही है, इनकी करनी कतरी में वो साफ नजर आता है कि दलितों को सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया जाए। और वही भाजपा भी खड़ी नजर आती है। कहां जा रहा वो RSS का स्कूल है, सरस्वती विद्या मंदिर। स्कूल कोई भी हो, उसकी जो मान्यता उन्हें होनी चाहिए। अगर वो RSS का है तो मुख्यमंत्री कौन है वहाँ, इस बात को बताएं। 37 दिन तक क्या हुआ? वो परिवार लड़ता रहा और लाठीचार्ज की गई, उस बच्चे की बोली लगाई गई। ये बात करते हैं बाबा साहब की, 14 अप्रैल पे बैनर लगाते हैं, लेकिन बाबा साहब को मानने वाले अनुयायियों की बलि ली जाती है। अब मेरी गुजारिश है कि आखिर मेरा समाज कब तक मरता रहेगा? अरे मरना एक ना दिन तो है, लेकिन कौम के लड़े, बाबा साहब की लड़े। यहीं बैठकर आप लेकिन देखिए, हम लोग आखिरी दम तक लड़ेंगे और जब तक लड़ते रहेंगे, जब तक हमारे हर उस व्यक्ति को न्याय नहीं मिलेगा जिसको जाति मानसिक शोषण किया जा रहा है। ये मेरे समाज का दुर्भाग्य है, जो बाबा साहब ने कहा था कि मुझे पढ़े लिखों तो का दिया। हम इस देश में बहुजन समाज पहाड़ के बराबर है, लेकिन जब आंदोलन की बात आती है, लड़ने की बात आती है, तो पीछे नहीं रहता है। और इस कांग्रेस ये बात ध्यान रख ले। मेरा सवाल प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी है, अगर जितेंद्र मेघवाल को न्याय नहीं मिला, SC ST OBC पर जो जुलम जाते थे, चार हो रहे हैं, उन पर रोक नहीं लगी, घर घर जाऊंगा राजस्थान, पूरे देश में घूमूंगा, अपने समाज को जगाऊंगा, इस कांग्रेस भाजपा का जो दोहरा मुंह है उसे दिखाने का काम करूंगा, लेकिन अपने कौम पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं करूंगा।
प्रियंका गांधी आदत चली जाती है, वहाँ क्यों जा रही है? चलो सब राजनीति का खेल है। उत्तर प्रदेश में भाजपा है, वहां इसलिए चली जाती है कि दलितों का दर्द दिखाने के लिए। एक बार भी बताइए अगर राहुल गांधी ने या प्रियंका गांधी ने एक भी ट्वीट किया हो या अशोक गहलोत से जवाब मांगने काम किया हो। आपको 50 लाख भी मिलते हैं यहाँ पे, 5 लाख निपटा रहे हैं। ये तो मैं कह चुका हूँ कि दलित सिर्फ मरने के लिए दलित है, वोट के लिए वो हिंदू बन जाता है, ये भेदभाव है। हम उस परिवार के साथ भी हैं जिसकी नाड़ काटी गई, लेकिन ये भेदभाव देखिए, वहाँ 24 घंटे नहीं होते उस परिवार को आर्थिक मदद कर दी जाती है और यहाँ लाश पर बोली लगाई जाती है। वो 9 साल का बच्चा, वो तीसरी छात्र का बच्चा, वो उसकी क्या कसूर था बेचारे का कि वो ऐसी कम्युनिटी से है? उस स्कूल की मान्यता क्यों दी गई कि जब एक जाति वर्ण के लोग हैं? 70 वर्ष बाद भी मटका नहीं छू सकता कोई दलित, ये स्पष्ट है। आजादी है ये देश में, ये आजादी नहीं है, ये वो गुलामी है जो बाबा साहब ने संविधान में लिख करके तोड़ी थी। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे मानसिकता के लोग कुछ समाज में ऐसा पैदा हो गए हैं जो आज भी भेदभाव अत्याचार करते हैं। अगर अशोक गहलोत का 9 साल का बच्चा एक्सपायर हो जाए तो क्या अशोक गहलोत भी लेन जाएंगे? अगर थोड़ी बहुत भी शर्म इंसान अशोक गहलोत के अंदर होती तो वो उस परिवार से मिलने जाते। और उससे बड़ी शर्म की बात सुनिए, अशोक गहलोत का गैर जुम्मेदाराना बयान, एक बुजुर्ग व्यक्ति, एक स्टेट का मुख्यमंत्री ये कहता है कि ऐसी घटनाएं तो पूरे देश में होती रहती हैं। तो आप देश के प्रधानमंत्री हैं स्टेट के, आप अपना स्टेट संभालिए और एससी समाज को बराबरी का अधिकार दीजिए, नहीं होता तो इस्तीफा दीजिए, अन्यथा ये दलित समाज, ये बहुजन समाज आपका मुंह तोड़ जवाब देगा। कल मीरा कुमार जी ने कहा कि हमारे पिताजी को भी जो है मारने की पूरी कोशिश की गई थी, उनको भी मटका नहीं छूने दिया गया था कांग्रेस सरकार के जमाने में। देखिए तो जो उनको रोड पे आना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए, हमारा साथ देना चाहिए, हम सबका दर्द एक है। और साथियों एक बात और मैं बता दूं, कहा जा रहा कि बच्चे ने आत्महत्या की है, ऐसी अरे इन्हें डूब के मर जाना चाहिए ऐसे मीडिया वालों को। वो 9 साल का बच्चा आत्महत्या करेगा, उसको इतना मारा गया, उसके कान में खून निकला, उसकी कान की नस फटी है, उसकी आंख की नस फटी है, पहले से बीमार था बच्चा। ये तो सरकार को अपनी किरकिरी बचाने के लिए मन ग्रंथ गहन कहानी पर बताई गई है। वो हसपुष बच्चा है, उसकी वीडियो आ रही है, आप जाकर देखिए, वो बेचारा नाटक कर रहा है, वो बच्चा ऐसा था ही नहीं। आप लोग कहते हैं बीजेपी सरकार में अत्याचार होता है दलितों पर, ये तो दोनों सेम है, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, ऐसी समाज के लिए तो हमेशा दुरा व्यवहार ही हुआ है। सर मीडिया के रोल को किस तरीके से देखते हैं? वहाँ जाके वो बोल रहे हैं परिवार से कि आप मामले को ज्यादा तूल दे रहे हैं, मीडिया कह रही है ऐसा? देखिए मेरा मानना ये है कि जो राष्ट्र और इस देश के लिए मीडिया के लोग काम कर रहे हैं, मैं उन्हें बधाई देता हूं। लेकिन कुछ मीडिया के लोग ये चाहते हैं कि भाजपा कांग्रेस की नूरा कुश्ती दिखाते रहें और इनका वोट लेते रहें। मेरा आग्रह उस मीडिया से है कि उस परिवार के घर जाकर उसे घाव दिखाने का काम करें जिनको लाठी से मारा गया। मीडिया और में जाके दिखा रहा है कि स्कूल में मटका ही नहीं था, वो सब हटा दिए गए। राजस्थान अभी इतना डेवलप नहीं हुआ कि स्कूल में जो टोटी लगाई गई होंगी, वो सब मटका लगा हुआ है। और कांग्रेस सरकार अपने विधायक से बात करे जिसने इस्तीफा दिया है कि वहाँ मटका था नहीं था, लगातार कांग्रेस में जो है इस्तीफे का दौर चला हुआ है क्योंकि अशोक गहलोत कांग्रेस सरकार को और अपने मुख्यमंत्री को अपने बाप की बहुमती समझते हैं। वो लोग हैं जो आरक्षण का लाभ तो ले लेते हैं लेकिन बहुजन समाज में अम्बेडकर लोगों की बात नहीं करते हैं। दलितों पे अत्याचार। आज दलित समाज दलितों पे अत्याचार। दीदी
बदली नहीं है, अगर क्या करेंगे? अभी हमने यहाँ पे धरना दिया था तो हमको अभी लेके जा रहे हैं यहाँ से उठा के, तो जबरदस्ती इन लोगों ने हमें अंदर बैठा है और अभी हमें लेके जा रहे थाने, तो अभी हम पीछे नहीं हटेंगे, हमें चाहे जहाँ भी ले जाए। इस बार पूरे बहुजन समाज में इस घटना को लेकर, बाबा साहब जिस घटना के जिन इन घटनाओं पर 150 साल पहले उन्होंने संघर्ष करा और आज फिर आजादी के 75-76 साल बाद आज ही उसी उसमें ये हमें ढाल लें, एक पानी का घड़ा छूने के लिए हम पर अत्याचार हो रहा है, आज हमारे हमारे लोगों को मारा जा रहा है, कभी मूंछों रखने पर, कभी घोड़ी बैठने पर, कभी किसी के साथ खाना खाने पर। कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद कांग्रेस सरकार। अब हम कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद चली जाती है, राहुल चला जाता है ना, और इसमें क्यों नहीं जा रही है? आज पूरा विपक्ष क्यों चुप बैठा है? आज इस बात पे क्यों नहीं बोला जा रहा? इस बात पे बोलना पड़ेगा। और राहुल प्रियंका चलिए मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, उस मास्टर को तुरंत से तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट में सजा, मौत की सजा होनी चाहिए। एसटीएट में बदलाव करो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जब अपने देश में पानी पीने से मारा जा रहा है तो प्रशासन ले जा रही, तो कौन सी बड़ी बात कर रही है? नहीं होगी, कब तक होगी? ये तो कांग्रेस का तो रवैया देख लीजिए, और जो उसमें दलित लोग राजनीति कर रहे हैं उन्हें डूब के मर जाना चाहिए। क्या कांग्रेस के अंदर राजस्थान सरकार?